नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 29 सितंबर 2022 से आपकी किस्मत को दो बड़े पर लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप आसमान की उड़ान उड़ने वाले हो। जितनी भी मुसीबतें आपको नीचे धकेल रही थी, वह सभी मुसीबतें आपके जीवन से कोसों कोसों मील दूर जाने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे दोस्तों निर्धारित करेंगे कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ने वाले हो। वीडियो दोस्तों बहुत खास है, आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। सबसे पहले इस दिन के ग्रह गोचर एवं पंचांग पर नजर डालें तो आपको बता दें, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। विशाखा नक्षत्र का निर्माण हुआ है। विष कुंभ योग बना है। सूर्य इस दिन कन्या राशि में है और चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं। इस अद्भुत ग्रह गोचर का प्रभाव आपके व्यापार पर, नौकरी पर, पारिवारिक जीवन पर, घर संसार पर, निजी जीवन पर, विद्यार्थियों बेरोजगारों पर कैसा पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन कौन सी परेशानियां दोस्तों अगले 24 घंटों में आपको घेरने वाली है, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप किसी भी मुसीबत में ना पड़े। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना ताकि एक एक बात आपको अच्छे से समझा सकूं। सर्वप्रथम महादेव के जितने भी सच्चे भक्त यह वीडियो देख रहे हैं, इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव लिख देगा, सीधा आशीर्वाद बाबा महाकाल का प्राप्त करेगा। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुरुदेव के एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। तो दोस्तों गुरुदेव कहते हैं, जिसे जल्दी और शुरुआत में ही सुख मिल जाता है, अंत में उसे दुख निश्चित ही मिलता है, और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है, अंत में उसे निश्चित रूप से सुख मिलता है। इसलिए अगर जीवन में दुख है तो याद रखना कि यह संघर्ष खत्म जरूर होगा, यह दुख खत्म जरूर होगा और आपके भी अच्छे दिन आएंगे। और अगर आपके जीवन में सुख है तो घमंड मत करना, क्योंकि दोस्तों जिंदगी भर यह सुख आपके पास नहीं टिकेगा। बुरा दौर भी आएगा, बुरे दिन भी आएंगे, इसलिए बुरे समय में उम्मीद रखना और अच्छे समय में लोगों की मदद करना, क्योंकि अगर आप अपने कर्म अच्छे रखोगे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते रहोगे तो आपके बुरे समय में और कोई इस दुनिया का व्यक्ति आपका साथ दे ना दे, परंतु महादेव आपका साथ जरूर देंगे। बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो कि सुनता सबकी है, परंतु करता केवल वही है जो उसका दिल चाहे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगले जो 24 घंटे आपकी जिंदगी के रहेंगे, उसमें बहुत से लोग आपको अलग अलग राह दिखाएंगे। कुछ बोलेंगे कि यह कर ले, यहाँ से बहुत आगे बढ़ जाएगा। कुछ कहेंगे कि यह मत कर, यहाँ तो बर्बाद हो जाएगा। परंतु दोस्तों आपको इन सभी की फालतू बातों को इग्नोर कर केवल उसी बात पर ध्यान देना है जो आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे, क्योंकि दोस्तों अब आपका मार्ग भटकाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में परिवार में आपको बहुत शांति प्रिय वातावरण बनाकर रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में लगातार रूप से चलते आ रहे यह वाद विवाद आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों प्रयास करें
कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप घर परिवार में एक अच्छा, एक सकारात्मक वातावरण बनाकर रख पाए। सभी को साथ लेकर दोस्तों अगर आप आगे बढ़ोगे, सभी की प्रसन्नता का अगर आप ख्याल रखोगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों भगवान हर काम में आपका साथ देंगे। परंतु अगर आप परिवार में क्रोध करोगे, अपशब्दों का प्रयोग करोगे, गाली गलौज करोगे, तो दोस्तों आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि परिवार में इस दिन आपको अच्छा खुशहाल वातावरण बनाकर रखना होगा। साथ ही दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उन्हें बता दें नौकरी पेशा जातकों के लिए दोस्तों समय बहुत खास है, बहुत शुभ है। जी हाँ दोस्तों, आपके उच्च अधिकारी की नजरें आप पर पड़ चुकी है। ऐसे में दोस्तों जितना जल्द हो सके आप अपने जितने भी काम हैं, जितने भी अधूरे पड़े आपके काम हैं, उन कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करिए। क्योंकि दोस्तों इससे अच्छा, इससे शुभ मौका अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्द हो सके अपनी पेंडिंग फाइलों को पूरा करिए, क्योंकि इस बार आपके काम को देखकर, आपकी मेहनत, आपकी लगन को देखकर आपके उच्च अधिकारी आपकी तरक्की पर विचार विमर्श कर सकते हैं। परंतु दोस्तों एक बात अपने अंदर उतार लेना कि जो आपके सहकर्मी हैं, यानी कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ व्यापार करते हैं, आपके साथ दफ्तर में नौकरी करते हैं, वह लोग दोस्तों आपका घर बार उजाड़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों आपके अपने ही, आपके भरोसेमंद लोग ही हाथ धोकर आपके पीछे पड़ेंगे और आपको बर्बाद करने का ठान लेंगे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको समझदारी बरतते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी जरा सी जल्दबाजी, आपकी जरा सी गलती दोस्तों आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बदनाम कर देगी और इसकी सजा भी पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों समझदारी के साथ आंख खोल कर ही आप अपना निर्णय लें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर बहुत लंबे समय से आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परंतु अगर कहीं पर भी आपको कोई बढ़िया जॉब, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आने वाले अगले 24 घंटे दोस्तों आपको मन लगाकर कोशिश करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपकी किस्मत जो कि आपको बहुत लंबे समय से रुला रही थी, अब वह फूटी किस्मत बदलने जा रही है। ऐसे में दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में अगर आपने सच्चे मन से प्रयास करा, अच्छे से अगर कोशिश करी, तो किसी अच्छे पद पर आपकी बढ़िया जॉब, अच्छी नौकरी लग सकती है। इसीलिए दोस्तों आपको केवल इतना सा संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी लोग बेरोजगार चल रहे हैं, रोजगार ढूंढने का अवसर तलाश रहे हैं, उन लोगों के लिए अगले 24 घंटे बहुत ही बेशकीमती समय साबित होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपकी लव लाइफ में आने वाले अगले 24 घंटे घमासान युद्ध मचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में आप पाएंगे कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी छोटी सी बात पर, किसी जरा सी बात पर कोई विवाद हो सकता है, कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, जिससे दोस्तों अगर आप दोनों ने मिलकर शांति से सुलझा लिया तो उस परेशानी का हल निकल जाएगा। परंतु अगर बात आगे बढ़ी, लड़ाई झगड़े आगे बढ़े, तो दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए प्रयास करें कि पारिवारिक जीवन के जितने भी आपके मुद्दे हैं, जो कि अभी गर्म चल रहे हैं, उन्हें आप शांति से ठंडा करने की कोशिश करना। नहीं तो दोस्तों यह छोटी मोटी बातें आगे चलकर बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर देगी। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले दिन को लेकर।
उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी रोजाना ऐसी ही ज्ञान वर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।